माशाल्लाह सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। सर राष्ट्रीय झंडे के लिए सलामी देगा, सलामी दो हाथ नीचे एक साथ राष्ट्र के हिसाब से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नमस्ते, सस्त्रियाकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ 15 अगस्त के इस स्पेशल वीडियो सीरीज़ में। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमारे लिंबी चिंचोड़ी गाँव में भी जो है तीन जगहों पर जो है तिरंगा फहराया जाता, चार जगहों पर होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईदगाह के पास जो है प्लान कैंसिल हुआ। इंशाल्लाह अगले साल से जो है ईदगाह के पास भी जो है झंडा फहराने का जो है कार्यक्रम रखेंगे। तो सबसे पहला जो है ग्राम पंचायत में होता, दूसरा जो है अपने गांव के जिला परिषद प्राथमिक शाला में होता, और तीसरा जो है हाईस्कूल में होता। तो तीनों ही जगहों पर अपने को बुला ले, तीनों ही जगह पर अपने को जाना पड़ता तिरंगा फहराने के लिए। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है अभी ग्राम पंचायत जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे अभी 8 बजे ले किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम वगैरह हो रहा, फिर वहाँ से जो है जिला परिषद स्कूल, और उसके बाद जो है आखिर में अपना हाई स्कूल को जाकर इस पूरे 15 अगस्त के कार्यक्रम को जो है देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो फिर चलो भाई लोग, फाइनली शुरुआत हो चुकी है 15 अगस्त सेलिब्रेशन की लिंबी चिंचोड़ी गाँव के ग्राम पंचायत में। यहाँ पर जो है लिंबी चिंचोड़ी गाँव की सरपंच साहिबा माली मैडम, इनके हाथों से जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा माशाल्लाह तरीके से। यहाँ पर गांव में के सभी प्रतिष्ठित नागरिक वगैरह आए हुए हैं। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर लगाई गई है जिनके प्रतिमे के पूजन के साथ, फिर उसके बाद झंडे के पूजन के साथ जो है इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिस प्रकार से रमज़ान हम मनाते हैं, जिस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, जिस तरीके से दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार से जो है 15 अगस्त भी जो है अपने लिए एक ईद की तरह है, अपने लिए एक त्यौहार की तरह है 15 अगस्त 26 जनवरी, क्योंकि ये दोनों ही दिनों को जो है पाने के लिए हमारे बहुत सारे वीरों ने जो है जवानों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी है, हंसते हंसते दी है। तो हमें उनके प्राणों की आहुति को जो है सम्मानित करना चाहिए और आज के दिन को जो है ईद की तरह मनाना चाहिए। जिस तरीके से हम ईद के दिन दिवाली के दिन सुबह उठकर जो है नहाते हैं, बेहतरीन तरीके से कपड़े वगैरह पहनते हैं और अपने प्रियजनों से मिलते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, उसी प्रकार से जो है आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन भी जो है हमें बेहतरीन तरीके से जो है इस तिरंगे को का सम्मान करना चाहिए, सभी अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने जो है इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हंसते हंसते दी है। तो इसी बेहतरीन दिन को जो है मनाने के लिए हम सभी लोग जो है यहाँ लिंबी चिंचोड़ी गाँव के ग्राम पंचायत के सामने आ चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज स्वतंत्र दिन ग्राम पंचायत लिंबी चिंचोड़ी लेकिन ध्वजारोहण कार्यक्रम उपस्थित सर्व मान्यवरांचं गावकऱ्यांचं ग्राम पंचायतच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या समस्त नागरिकांचं मी हार्दिक स्वागत करतो। प्रथम प्रतिमा पूजन आणि ध्वजपूजन श्रीशैल माळी सर हे करतील, त्यानंतर ध्वजारोहण गावचे उपसरपंच संतोषजी हाके हे करतील। Thank you.
सबसे अच्छा हिंदू सुता राष्ट्रीय झंडे के लिए सलामी देगा, सलामी दो हाथ नीचे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय मातरम मातरम। जिल्हा परिषदच्या लिंबी चिंचोळी येथील फक्त बाकीचे कार्यक्रम सगळे रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम फक्त होईल। समस्त गावकऱ्यांनी यावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। बहुत ही शानदार तरीके से ध्वजारोहण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसी प्रकार से जो है इस गुलसिता पे इस बेहतरीन आसमान में जो है ये तिरंगा लहराता रहे, यही मेरी कामना है। दुआ से यही अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जो है इस तिरंगे को हमेशा इसी प्रकार से जो है फड़काता रहे, इस पर किसी भी प्रकार का दाग ना आए। तो चलिए यहाँ से अभी सीधे जाते हैं अपने लिम्बी चिंचोळी गाँव के जिला परिषद प्राथमिक शाले को और देखते हैं वहाँ किस प्रकार से जो है ये पूरा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन पहले ब्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से जो है अब बीच अपने ग्राम पंचायत में जो है तिरंगा लहराया गया, अब भी जो है बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। अभी जो है हम यहाँ से अपने गांव के जिला परिषद प्राथमिक शाला जाने वाले और फिर उसके बाद वहाँ से जो है हाईस्कूल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार जो है ये पूरा त्यौहार हमारे गांव में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिम्बी चिंचोळी गांव के जिला परिषद और उसके साथ साथ हाईस्कूल में जो है पूरा 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया जाता है। अगर आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को ब्लॉग्स को एपिसोड्स को सीरीज़ को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।